हेलो दोस्तों, ये देखिए आम का पेड़ मात्र एक साल का है, एक साल में 6 फीट से ज्यादा लंबा हो गया। इसके बारे में आपको हम बताते हैं देख रेख कैसे इसकी की जाती है। ये पेड़ को हमने गुठली से उगाया था एक साल पहले, फिर इसको हमने 2 महीने बाद ग्राफ्ट किया। ये देखिए, इसकी ग्राफ्टिंग का पौधा जो है दब चुका है यहाँ पे, क्योंकि हमने इस पर मिट्टी चढ़ा दी है, इसमें खाद बीज डाला हूँ, देसी खाद एकदम गोबर की। इसको देखिए, करीब से देखिए इसके तना कितने मजबूत हैं। मात्र इसमें गोबर की खाद डाला हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। साल में इसमें 2 बार खाद डाल चुका हूँ, एक हमने डाला था मार्च में यहाँ पे पूरा दबा के यहाँ पे, फिर इसको अभी डाला हमने 1 महीने पहले। यानी साल में केवल 2 बार गोबर की खाद डाली है हमने। इसी में इसके देखिए ग्रोथ कितना अच्छा ग्रोथ दिया है। ये जो पौधा है आम्रपाली है, ये आम्रपाली है और ये लंगड़ा का पौधा है। लंगड़ा इसको हमने ग्राफ्ट किया था, मात्र 2 महीने का पौधा था तभी इसको ग्राफ्ट किया। यहाँ से नीचे ये मिट्टी में दब चुका है, मिट्टी चढ़ा दी हमने। 1 साल बाद आप मिट्टी चढ़ा सकते हैं। जो ग्राफ्ट किया हुआ पौधा है, जहाँ से आपने ज्वाइंट लगाया है वो मिट्टी में दबा दें, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि नीचे से कोई शाखा यानी ब्रांच फूटने का चांस नहीं रहता। तो इसको देखिए कितना मजबूत पौधा है हमारा, मात्र 1 साल का हुआ है, केवल अभी 1 साल का। इसको अभी हम अगले साल फ्रूटिंग लेंगे, अभी इसको थोड़ा और मजबूत होने देंगे ताकि जो भी फल लगे इस पे तो इसका वजन अपने आप ही उठा सके। ये इसको हमने बाड़ा में रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मवेशियों का आने का खतरा रहता है, क्योंकि ये हाईवे के किनारे है 30 में NH7, या जो पहले की पुरानी थी रोड NH7, अब उसका पार्ट में बट के हो गया है NH30। यहाँ के सारे पौधे पहले कट चुके थे, फिर हमने नया पौधा लगाया है रोड के किनारे। ये देखिए यहाँ पे धूल भी बहुत आती है, इसलिए इसको बीच बीच में धुलाई करना पड़ता है। आप देखिए मात्र 1 वर्ष का पौधा है, कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारा चैनल है के देसी किसान। आपको जो भी हम जानकारी देंगे केवल देसी जानकारी देंगे, जो आप घर में फ्री में कर सकते हैं। आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है मार्केट से। आपके घर में पशु होंगे, उनका गोबर आप 1 साल पहले किसी गड्ढे में डाल के तैयार कर लीजिए, फिर वही गोबर की खाद इस पे डालिए। उससे बड़ी कोई उर्वरक नहीं है। बाजार की जो आती है फर्टिलाइजर, वो पौधों को नुकसान करते हैं। अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो आपका पौधा जल जाएगा। और इसमें आप देसी कंपोज में कुछ भी डालिए, कितना भी ज़्यादा हो जाए कोई पौधे को नुकसान नहीं करेगा। ये देखिए ये लंगड़ा है, लंगड़ा इसकी देखिए पत्तियां चौड़ी होती हैं। लंगड़े पौधे की यही पहचान है, इसका तना मोटा होता है और पत्तियां चौड़ी होती हैं। ये देखिए ये हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है, मात्र 1 वर्ष का पौधा हुआ है, 1 वर्ष केवल। यहीं पे हमने इसको गुठली से उगाया था और फिर गुठली से उगाने के बाद हमने इसको ग्राफ्ट किया, यानी जुलाई में हमारा पौधा उगा था, हमने इसको ग्राफ्ट किया है सितंबर में। फिर उसके बाद ये बढ़ रहा है ऑटोमेटिक, इतना तेज इसकी ग्रोथ हो रही है कि आपको विश्वास नहीं होगा। देखिए आप स्वयं देखिए, मात्र 1 वर्ष का पौधा है। तो कृपया आप हमारा वीडियो लाइक और शेयर करिए। आप जो नए हैं चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। के देसी किसान, जय हिंद।